रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 5 रन। इस बार थोड़ी देर गेंद हवा में रही थी लेकिन नो मैन लैंड में गिरी, जब तक कि पॉइंट के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते ही 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। यॉर्कर लेन की गेंद जड़ में गेंद की थी, खेल निकाला उस गेंद को, जब तक के गेंद को फील्ड कर वापस करते डायरेक्ट हिट और 1 रन दौड़कर पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन, सटीक थ्रो किया था सीधे स्टंप पर डॉक्टर शाकिरुल करीम ने। बाएं हाथ के खिलाड़ी काफी कमाल के खिलाड़ी होते हैं। इस बार फिर से हल्के हाथों से टैप किया पॉइंट के स्थान पर, 1 रन मिला। आठ रन बने हैं अब तक। अगली गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई हमला सीधे 6 रनों के लिए, पहला छक्का इस इनिंग का ही है। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन। अच्छी गेंद डॉट गेंद रही है, 1 रन आया। टूर्नामेंट क्यों नहीं बता रही थी पहली विकेट का पतन लाजवाब किया अजलब का डॉक्टर शाकिरुल करीम ने, लाजवाब किया अजलब का। हालांकि पहली डायरेक्ट हिट भी लाजवाब की थी लेकिन इस बार कैच लपकने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
डॉक्टर मोहसिन इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 16 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा है ये। इस बार खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, शॉट स्वीपर कवर के स्थान पर, एक रन मिला। ए बच्चे साइकिल बाहर लेकर जा बेटे, अंदर मत खेलू साइकिल। 17 रन बने हैं फिलहाल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। आईडीए पर बनी इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। डॉक्टर मोहसिन एक अच्छे गेंदबाज हैं, काफी सालों से क्रिकेट के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, काफी क्रिकेट खेला है। डॉक्टर बनने से पहले उन्होंने काफी समय बिताया है, परभणी नहीं बल्कि बाहर गांव के शहरों में भी काफी नाम कमाया है क्रिकेट की दुनिया में। काफी अच्छी गेंद, कोई रन वाला इस गेंद पर डॉट गेंद रही है। एसडीए परभणी के पास दो दिग्गज खिलाड़ी हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज डॉक्टर वाजिद खान भी एक लाजवाब बल्लेबाज हैं, लेदर बॉल और टेनिस बॉल पर काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी इतनी लाजवाब है, काफ़ी मनमोहक पारियां उनकी मैंने देखी है। लेदर बॉल पर एक मैच हुआ था वो अभी भी मुझको याद है, जिसमें खान ब्रदर्स यानी कि दोनों ही भाइयों ने खालिद अहमद खान और डॉक्टर वाजिद खान ने मिलकर पीडीसीसी क्रिकेट क्लब को जिताया था, जाते हुए मैच में जीत दिलाई थी। एक लाजवाब पारी खेली थी और उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे डॉक्टर वाजिद खान, नितिन चषक सेलो में। पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो फील्डिंग को फैला दिया गया है। एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर 38 सर्कल के बाहर रखा गया है। ऑफ साइड पर तीन खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर हैं। अगली गेंद इस बीच, इस बार उछाल कर खेला फास्ट होग, गली के ऊपर से गेंद जा रही है डीप गली के स्थान पर। खिलाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 4 रनों के लिए बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर स्क्वायर कट। स्क्वायर कट के रूप में खेलना चाहा था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर टकराने के बाद डीप गली के स्थान पर गई। 4 रनों के लिए 21 रन बर्दाबा स्कोर जा पहुंचा इस चौके की सहायता से। इस मैच के बाद जो मैच होगा नीमा परभणी वर्सेस जीडीए गंगाखेड के बीच। फुल टॉस बनाकर खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, जब तक कि डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर डॉक्टर शाकिर उल करीम गेंद को फील्ड करते ही समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 22 रन। फ्लाई स्लीप के स्थान पर खड़े हैं डॉक्टर फरहान। अगली गेंद, इस बार खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। डॉक्टर शाकिरुल करीम चट्टान की तरह खड़े हैं बाउंड्री लाइन पर, गेंद को अपने पास से जाने नहीं दे रहे हैं, लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं। और जब फील्डिंग अच्छी होती है तो गेंदबाज का मनोबल काफी बढ़ता है। अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती भी अब तक, काफी अच्छी गेंद, विकेट कीपर डॉक्टर वाजिद खान ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं बना। इस गेंद पर डॉट गेंद रही है। और बोल्ड कर दिया, दूसरी विकेट का बदल हुआ है।
हूँ, शिंदे डायग्नोस्टिक सेंटर, स्मित डेंटल केयर, गेटवेल लैब और चौधरी केयर लैब स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला, जब तक के डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी मोहसिन डॉक्टर मोहसिन गेंद को फील्ड कर दें। एक रन लेने का समय था बल्लेबाजों के पास, इस एक रन की सहायता से कुल मिलाकर तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 24 रन बने हैं, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी होती रही तो निर्धारित 8 ओवर से 64 रन बन सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बॉलिंग विश्लेषण इस प्रकार है, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 21 रन देकर 1 विकेट चटकाई है, लाजवाब गेंदबाजी की। उनका इकोनॉमी रेट था 10.50 का। अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं डॉक्टर मोहसिन की ओवर बीच गेंद, गेंद हवा में और कैच आउट, तीसरी विकेट का पतन। इंतजार किया, हल्के हल्के कदमों से गेंद के लाइन में दौड़कर आए और कैच को लपक लिया। कोशिश थी, 2 रन मिले और इस कोशिश से नाराज भी नहीं है गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं काफी लंबा फासला तय कर रहे थे मौजूद खिलाड़ी डॉक्टर शाकिरुल करीम। तो तालियां, हल्की हल्की तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया, अच्छा ट्राई किया आपने, फिर से कोशिश कीजिए, इस तरह का इशारा किया तालियां बजाकर। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। पहले जब क्रिकेट खेला करते थे तो नो बॉल काफी किया करते थे, लेकिन उस गलती को सुधारा है, इस मैच में 2 वाइड किए हैं और अंपायर की उंगली हवा में लहराती हुई, यानी कि विकेट का पतन।
30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 7.50 के रन औसत से रन बन रहे हैं। इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो 60 रन बन सकते हैं। क्रिस गेल एक ऐसे इंसान हैं परवनी शहर के सचिन हिवरे, जिनके चेहरे पर कभी भी आपको गम देखने को नहीं मिलेगा, हर समय हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हेलो, अगली गेंद इस बार खेला लॉन्ग ऑन पर डॉक्टर शाकिरुल करीम मौजूद वहां पर, 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट। मजबूत खंधे के खिलाड़ी हैं, थ्रो काफी तेजी के साथ करते हैं। 31 रन बने हैं अब तक। वसीम सिद्दीकी गेंदबाजी कर रहे हैं, वसीम शेख की इस गेंद को कवर ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पंच किया, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर पर, मिसफील्ड हुई डॉक्टर मोहसिन द्वारा और गेंद गई बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद खेल दिया, इस गेंद को डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर और बेहतरीन कैच लव का। शाकिरुल करीम, डॉक्टर शाकिरुल करीम का पीछा कर रही हैं, लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन गेंद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, काबिले तारीफ फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं कहूँगा डॉक्टर शाकिरुल करीम को जाता है, उनके जो वे सुबह सुबह रोज़ टेनिस खेला करते हैं टेनिस कोर्ट पर, क्योंकि 37 रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स, बैडमिंटन जो खेला करते हैं उसका फायदा है, ये काफी दौड़ना पड़ता है बैडमिंटन में भी,
जिसकी वजह से इतने फुर्तीले नजर आ रहे हैं, हर गेंद पर चीते की तरह दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड कर रहे हैं। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे डॉक्टर वाजिद खान की। लाजवाब शुरुआत अपने व्यक्तिगत पहली ओवर से की है। शेखर इंगले इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, इस बार हल्की से फंबल हुए लेकिन तुरंत गेंद को गैदर किया और वापस किया बॉलर एंड पर। एक रन मिला लेकिन तब तक बल्लेबाज को और उनकी टीम को इसी एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कसी भी फील्डिंग का प्रदर्शन होता हुआ इस बार खड़े खड़े खिला वास्टो के हल्के हाथों से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान से खिलाड़ी दौड़कर आते डॉक्टर मोहसिन, तब तक समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का। इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इस तरह का स्ट्रोक खेलना चाहा। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर बॉटम पर टकराई थी। भाग्यशाली रहे कि गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में नहीं गई, डॉट गेंद रही है, कोई रन न बना इस गेंद पर। कदमों का इस्तेमाल कर खेला पास स्ट्रोक डीप मिड ऑफ के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थी जब तक कि गेंद को फील्ड कर वापस कर दी। एक रन मिला, वसीम शेख वहां पर मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग डॉक्टर वसीम शेख की, केवल एक रन मिला, 40 रन बने हैं अब तक। इस बार अच्छी गेंद, सभी खिलाड़ियों के पास इस मैच में गेंद गई है। एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास गेंद शायद आने से डर रही है, वो है डॉक्टर अनवर। अब तक कोई गेंद उनके पास नहीं गई है। जहां से पहली गेंद गई थी उनके पास से तो चौका गया था, शायद गेंद को डराया, तब से गेंद उनके पास आई नहीं है। 6 ओवर की समाप्ति पर 40 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। दो ही खिलाड़ी ऐसे हैं डॉक्टर फरहान और डॉक्टर अनवर जिनके पास से एक एक गेंद गई और वो गेंदों पर चौके आए हैं। उसके बाद से इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास कोई भी गेंद नहीं आई है। दो ओवर यानी कि 12 गेंदों का खेल केवल शेष बचा है, 40 रन बने हैं अब तक। 6.67 का रन औसत जारी है। इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो निर्धारित 8 ओवर में केवल 53 रन बनेंगे। लेकिन क्रिकेट के स्कोर को किसी भी स्कोर को केवल नहीं कहा जा सकता है। छोटा सा छोटा स्कोर कभी कभी काफ़ी महंगा साबित होता है,
जब आप चेस कर रहे हो, क्योंकि ये क्रिकेट है। अगली गेंद, इस बार खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, एक बॉलर को दो। पांचवा गेंदबाज आपको एक्सपोज करना होगा इस टूर्नामेंट का, ये नियम है। 41 रन बने हैं इस मैच के बाद। जो मैच होगा वो रहेगा नीमा परभनी वर्सेस जीटीए गंगा खेड़ के बीच। इस बार खेल दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, खिलाड़ी मौजूद। जब तक के डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते वापस कर दे, समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का। इसी एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 42 रन। पांच विकेट के नुकसान पर 42 रन बने हैं, जबकि ये सातवीं ओवर का खेल जारी है। सटीक तब्बे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम, डॉक्टर वसीम। इस बार खेलना चाहा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर टकराई, शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पर गई। जब तक विकेट कीपर डॉक्टर वाजिद खान शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पर जाते, गेंद को फील्ड करते, समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का। इसे एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 43 रन। दोनों ही टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कमेंट्री बॉक्स के सामने आए टॉस के लिए जीटीए गंगा खेड़ और नीमा परभनी। इस बार घूमकर स्ट्रोक खेलना चाहा डीप स्क्वायर के ऊपर से, उछाल कर खेलने का प्रयास असफल रही, गेंद उनके पैरों पर जाकर टकराई, कोई रन नहीं बना इस गेंद पर, डॉट गेंद रही। हवाई हमला खिलाड़ियों को दर्शक बनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। इस गेंद में इतनी तेजी थी कि निगाहों से भी नहीं रोक सकते थे डॉक्टर शाकिरुल करीम और डॉक्टर मोहसिन इस गेंद को। अच्छा स्ट्रोक था बैक टू द बॉलर 6 रनों के लिए। पिछली 4 गेंदों में केवल 3 रन दिए थे, लेकिन पांचवी गेंद पर छक्का लगाकर हिसाब बराबर किया इस ओवर का। इस बार स्क्वायर कट किया, गेंद गई डीप स्वीपर कवर के स्थान पर। जब तक कि डीप स्वीपर कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते वापस कर दें, समय था दूसरा रन दौड़कर पूरा करने का। नीमा परभनी के कैप्टन से अनुरोध है टॉस के लिए आए प्लीज। 7 ओवर का खेल समाप्त, 50 रन पूरे हुए हैं, 51 रन। नीमा परभनी के कैप्टन से अनुरोध है डाइस के सामने आए प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द। इसके बाद जो मैच खिलाया जाएगा वो मैच रहेगा नीमा परभनी वर्सेस जीडीए गंगा खेड़ के बीच। फिफ्टी रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर दैट 7 ओवर। डॉक्टर अनवर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। विठल सर,
डॉक्टर अनवर आए हैं गेंदबाजी के लिए। गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड गेंद निश्चित तौर पर, इसी का अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 52 रन। अपने कोटे का पहला और इस इनिंग का अंतिम ओवर लेकर आए हैं डॉक्टर अनवर। शेन वॉटसन को अपना आदर्श मानते हैं। इस बार खेल दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर, जब तक कि डीप स्क्वायर लेग पर अब्दुल हादी, डॉक्टर अब्दुल हादी गेंद को फील्ड करते वापस कर दें। समय था दूसरा रन दौड़कर पूरा करने का। इस मैच का टॉस हाईटेक क्रिकेट क्लब के सर्वे सर्वा आरिफ भाई इनके हाथों से हो रहा है। और आरिफ भाई ने सिक्का ऐसे उछाला के सिक्के को अटका दिया है टेंट के ऊपर। एक रन मिला, ये टॉस का रिकॉर्ड बनाया है अपने नाम। एक भाई गेंदबाजी कर रहा है और दूसरा भाई टॉस करते समय सिक्के को आसमान में अटका दिया टेंट के ऊपर। नीमा ने टॉस जीता है, नीमा परभनी ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बार खेलना चाहा डॉक्टर फरहान गेंद को फील्ड करने का प्रयास, लेकिन बोल्ड आउट हो चुके हैं। डॉक्टर असीर खान नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और बैक टू बैक दूसरा विकेट चटकाया, हैट्रिक पर आ चुके हैं डॉक्टर अनवर। इस टूर्नामेंट का ये पहला खिलाड़ी जिस पर 651 रुपए का इनाम लगा है, हैट्रिक लेते हैं तो हाईटेक के ओनर इनकी ओर से 501 और उनके टीम के सपोर्टर इनके ओर से 151, इस तरह से कुल मिलाकर 652 रुपए का इनाम की घोषणा हुई है। इस विकेट के लिए अगर विकेट चटकाते हैं शेख अनवर, डॉक्टर शेख अनवर। सुबह एक बल्लेबाज का अर्धशतक नहीं हो पाया था, 49 पर आउट हुए थे। क्या अपना हैट्रिक पूरी कर पाएंगे अनवर, डॉक्टर शेख अनवर, देखना है। फुल टॉस बनाकर खेला लेकिन गेंद नो मैन लैंड में गिरी, अपने आप से नाराज के मैं वहां तक नहीं दौड़ पाया। डायरेक्ट हिट, नॉट आउट करार दिया, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन तीसरा रन भी दौड़कर पूरा किया और चौथे के लिए जा रहे थे, आउट हो चुके हैं। एक मिनट साइमन सुजात, 3 रन लिए ना दौड़ के, दो 3 रन लिए, 3 दो रन, दो
अंतिम गेंद आना शेष बची है इस इनिंग की, इस ओवर की और इस इनिंग की। अंतिम गेंद इस इनिंग की, काफी अच्छी गेंद, विकेट कीपर फंबल हुए, एक रन के लिए दौड़ बढ़े। और एक रन मिला केवल। अट्ठावन रन बने हैं 59।
फैसल सौदागर हैं बल्लेबाज, क्या आउट हो चुके हैं कॉटन बॉल्ड, पहली विकेट का पतन हुआ यहाँ पर। ऑफ टू विकेट्स, डॉक्टर मोहसिन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। डॉक्टर विलास साहब ने इस वक्त हैट्रिक पर आ पहुंचे हैं, देखना है डॉक्टर विलास साहब ने इस गेंद पर विकेट चटकाकर अपनी हैट्रिक पूरी कर पाते हैं अथवा नहीं, जबकि उनके सामने मंजे हुए बल्लेबाज हैं डॉक्टर वाजिद खान। सम्मान दिया इस गेंद को, रक्षात्मक तरीके से खेला और हैट्रिक लेने से रोका यहां पर डॉक्टर वाजिद खान ने, सम्मानजनक तरीके से खेलकर उस गेंद को डिफेंसिव मोड में आकर खेला था। डॉट गेंद रही 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये तीसरी ओवर का खेल जारी है। रन के लिए दौड़ बढ़ी, मिसफील्ड हुई, पहला रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, जब तक कि डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते अवसर था, दूसरा रन दौड़कर पूरा करने का बल्लेबाजों के पास, 31 रन मर्दाबाद स्कोर जा पहुंचा। स्क्वायर कट करने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाई, विकेट कीपर फंबल हुए, स्लिप के स्थान पर गेंद आई, कोई रन नहीं बना इस गेंद पर। डॉट गेंद रही, 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
डिवाइस लाया ना भैया उन्होंने। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है, कोई रन बना इस गेंद पर। डॉक्टर हसीब इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्के हाथों से ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गली के स्थान पर गेंद गई। जब तक कि गेंद को फील्ड करते ही एक रन मिला, इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 32 रन। 28 गेंदे 27 रन चाहिए जीत के लिए। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल कर कर खेलना चाहा, लेकिन गेंद आई डीप मिड ऑफ पर से, खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड कर दी। तब तक समय था दूसरा रन दौड़कर पूरा करने का। गेंद से स्टंप बिखेरने के बजाय हाथों से स्टंप को बिखेरा था, जिसके कारण अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। अच्छा निर्णय अंपायर का। 34 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा, 27 गेंदें बची हैं, 25 रन बनाने हैं जीत के लिए। डायरेक्ट ही एक रन के लिए दौड़ बने ओवर थ्रो के रूप में। इस वक्त इस मैच का आनंद ले रहे हैं भावी नगर सेवक खालिद अहमद खान। जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, उनके समर्थक खुशी में झूम रहे थे। रमीज लाला, रमीज राजा कहा जाता उन्हें। इस बार खेला इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर, जब तक कि डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करते ही एक रन दौड़कर पूरा किया। थ्रो वापिस आता तेजी के साथ, दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। केयर मेडिकल के केयर टेकर भी हैं रमीज राजा। वन शॉट बॉल गया, 1-1, 37 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदे 22 रन चाहिए अब जीत के लिए। स्वीप करने का प्रयास, जोरदार अपील, वाइट को बचाने का अच्छा प्रयास था, लेकिन अंपायर के नज़रों से ये गेंद नहीं बच सकी, क्योंकि लेग स्टंप को छोड़कर जब भी गेंद जाती है तुरंत अंपायर अपने हाथों को खोलकर वाइट बॉल का इशारा करते हैं। इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से अब स्कोर जा पहुंचा 38 रन ओवर, 25 गेंदें बची हैं, 21 रन बनाने हैं जीत के लिए। इस मैच के बाद जो मैच होगा वो मैच रहेगा GDA गंगाखेड़ वर्सेस नीमा परभनी के बीच, लेकिन उससे पहले लंच ब्रेक किया जाएगा आधे घंटे का। फुल टॉस बनाकर खेला इस गेंद को, टाइम नहीं कर पाए, डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर गेंद गई। जब तक कि डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने का प्रयास कर दें, एक रन लेने का समय था बल्लेबाजों के पास। इसी एक रन की सहायता से 39 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद
24 गेंदें बची हैं और 20 रन बनाने हैं जीत के लिए। सचिन और क्रिस गेल से अनुरोध है कि आप दो कुर्सियां लेकर बैठें, एक कुर्सी आपका वजन नहीं संभाल सकती है, तो आपसे अनुरोध है आप दो चेयर लेकर बैठें, कमेटी का नुकसान ना करें आप। समी खान ये सूचना दे रहे हैं। रेहान खान आए हैं, फुल टॉस बनाकर खेला इस गेंद को, फिर से डीप स्क्वायर लेग पर गेंद गई, खिलाड़ी मौजूद, लाजवाब फील्डिंग, जितनी अच्छी फील्डिंग उतना ही अच्छा थ्रो, गेंदबाज के एंड पर किया, लॉन्ग स्ट्राइकर एंड पर, एक रन मिला, 39 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा अब 40 रन, 23 गेंदें बची हैं, 19 रन बनाने हैं। इस बार उछाल कर खेल दिया डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई सीधे 6 रनों के लिए। चाहिए जीत के लिए, फिर से इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक लगाकर मैच समाप्त करने के मूड में नजर आ रहे थे बल्लेबाज, आदरणीय डॉक्टर पेड़गांवकर सर का आगमन हुआ है, हम उनका शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं प्रिय दर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और चौका लगाकर इस मैच को समाप्त कर दिया है डॉक्टर।